सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम शिवशंकर है और आप देख रहे हैं मोबाइल मास्टर शो। आज का जो टॉपिक है ना फ्रेंड, वो थोड़ा डिफरेंट और सीरियस टॉपिक है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग से हटके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं न्यू व्यूअर्स से बता दूं कि मैं ऐसे मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, तो आप अगर उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में मैं बताता हूँ कि 3 माथा को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं जड़ से बिना कोई प्रॉब्लम, बिना कोई साइड इफेक्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने लाइफ 3 माथा को रिमूव करके दिखाया था बिल्कुल ही फ्री में घरेलू उपाय के साथ। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था फ्रेंड कि कई सारे दोस्त थे या फिर कई सारी लड़की थी जिनको था जो फेस पे तिल या मासा था, जिसे वो रिमूव कर सकते हैं। वो घरेलू उपाय में मैंने बताया था चूना और सर्फ से कैसे आप रिमूव कर सकते हैं, और मैंने अपने आप पे वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था और मेरा सक्सेसफुली रिमूव हो गया था और ठीक ठाक भी हो गया था, तभी मैंने उस वीडियो को बनाया था। तो अगर उस वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आई बटन और साथ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूं प्रॉब्लम की। उस वीडियो में प्रॉब्लम ये हुआ था कि जैसे मेरे फेस पे कोई तिल या मासा है तो उसे रिमूव करते थे तो क्या होता, रिमूव तो हो जाता था अच्छी तरह से और जख्म भी ठीक हो जाते थे, लेकिन उसका दाग है जो 5 से 6 से 7 मंथ तक रहता था, ठीक ना। तो आपकी जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ रिमूवल जेल के बारे में बताया जा रहा हूँ, जो जेल का नाम है टॉपलेट जेल। यह है वो तिल या मासा हो आपको जड़ से रिमूव कर देगा और एक भी दाग भी नहीं छोड़ेगा। तो ये अगर फेस पे आपका तिल या मासा है तो आप इस जेल का यूज करें, और अगर आपका पीठ और हाथ में का मासा है तो आप उस घरेलू नुस्खा का भी यूज कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। अगर पता नहीं चलता आपको कहाँ उस वीडियो का लिंक है तो मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट सेक्शन में नीचे उसका भी लिंक दे दूंगा। तो चलिए मैं बताता हूँ उस जेल के बारे में। तो आप वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा तभी आपका फायदा होगा, ना तो बाद में हमें ये मत कहिएगा कि हमें किस तरह का दिक्कत आ रहा है या फिर किस तरह का दिक्कत आ रहा है। तो उसका नाम है टॉपलेट जेल, जहाँ की अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जेल के मैं खास बता दूं बात कि इसमें 2 टाइप का एसिड है, तो ये भी एसिड है तो ये भी ज्यादा यूज आपके लिए खतरनाक हो सकता है, तो आप पहले ये पूरा वीडियो देख ले उसके बाद ही यूज कीजिएगा। तो अगर आपका बजट 200 रुपया के अंडर है, यानी कि ये जेल आपको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं 170 से 180 रुपया में, जिसका नाम है टॉपलेट। इसमें 2 एसिड कंपाउंड होते हैं, जो एक आपको रिमूव करने के लिए काम आता है और एक आपका त्वचा को है जल्दी जल्दी उभारने का काम करता है, ठीक है। और इसमें आपको कोई दाग या धब्बा भी नहीं होता है, ये अपने आप फेस पे यूज करिए या फिर कहीं पे यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री में चाहते हैं कि हमारा 3 मासा रिमूव हो और जो गोड़ हाथ में के हो, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो बना रखा है, उसमें आपको किसी तरह का पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख ले, ठीक है। तो चलिए मैं इसके क्रीम के बारे में बताता हूँ किस तरह से आप पीछे यूज कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसे यूज करने से पहले आप अपने फेस को पूरी अच्छी तरह से गर्म यानी सुसुम पानी से धो लें, ठीक है। अपने गर्म पानी से, मतलब हल्का गर्म होना चाहिए, उससे आप अपने पूरे फेस को अच्छी तरह से धो लें ताकि कोई डस्ट वगैरह ना रह जाए, ठीक है। धोने के बाद आप उसे सूखे और फ्रेश टॉवल से उसे साफ कर लें अपने फेस को, ठीक है। सूखे और फ्रेश टॉवल से अपने फेस को साफ कर ले। साफ करने के बाद आपको जहां पे तिल हो या फिर जहां पे मासा हो वहां पे थोड़ा थोड़ा अपने हाथ धो लें साबुन से। उसके बाद अपने नाखून से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्क्रेच करके सेंसेशन पैदा कर ले, यानी इतना वहां पे थोड़ा सा स्क्रेच करें, ज्यादा स्क्रेच करके वो खून नहीं बहाना, हल्का सा स्क्रेच करें ताकि वो जेल है वो आसानी से रिस सके। तो उसे स्क्रेच करने के बाद आपको जेल लेना है, यानी कि जितना मात्रा में आपको तिल है यानी आपका मासा अगर इतना बड़ा है तो उससे भी छोटा या फिर उससे भी कम मात्रा में आपको जो है जेल वहां पे लगाना है। और जेल लगाते टाइम आप ध्यान दें कि वो जेल है जो आपको अगल बगल यानी टपके नहीं, लटके नहीं, ठीक है, सिर्फ वहीं रहे। या मैं बता दूं कि इसे आप अगर रात में यूज करते हैं यानी रात में सोते टाइम यूज करते हैं तो आपके लिए और भी बेटर रहेगा। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि जेल जो है वो यहाँ वहाँ टपके नहीं। अगर इस जेल को यूज करते हैं उसके बाद लगाने के बाद आप उसे एक रात यानी कि 7 से 8 से 10 घंटा उसे सूखने के लिए छोड़ दे। सूखने के बाद वो ऑटोमेटिक है कि आपको जितना दूर मॉल्स रहेगा, जितना दूर आपको तिल रहेगा या मासा रहेगा, उसे काट के वो रिमूव कर देगा और बिना किसी दाग धब्बे के आपका जो है वो प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगा। और धीरे धीरे 1 हफ्ता के अंदर आपका जो फेस है वो बिल्कुल ही नॉर्मल हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर वीडियो में और भी कुछ पूछताछ करना हो तो मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट के जरिए रिप्लाई जरूर आपको दूंगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और भी किसी तरह का जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट के जरिए रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय। जय हिंद।